बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी खबर की, तो इन दिनों आई फ्लू के केस में तेजी से इजाफा हुआ है। मानसून के आते ही देश में आई फ्लू पेड़ पसारने लग गया है। महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा केस आई फ्लू के सामने आ रहे हैं। उदयपुर में भी स्थिति आई फ्लू की काफी खराब होती जा रही है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में इन दिनों आई फ्लू की वजह से परेशान देखा जा रहा है। स्कूलों के अंदर साफ हिदायत दी गई है कि अगर आपको आई फ्लू है तो वो एक दो दिन छुट्टी लेकर घर पर रहे, क्योंकि यह संक्रमण तेजी से फैलता है। ऐसे में सावधानी रखनी चाहिए, आंखों के अस्पताल में जाकर दवाई लेनी चाहिए और बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी आई ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उदयपुर के जय दृष्टि आई हॉस्पिटल के चिकित्सक शर्मा पंड्या ने बढ़ते आई फ्लू को लेकर कहा कि आई फ्लू से जहां एक और मरीज बड़ी संख्या में हॉस्पिटल आ रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो घर पर ही रहकर इलाज नहीं करवा रहे हैं। ऐसे में उनको ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने बताया कि हर 2 या 3 साल में आई फ्लू के केस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन है, एडिनो वायरस इसकी एक अहम वजह है। इरिटेशन होना इसकी मुख्य वजह है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इससे फैलने से रोकने पर हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए इन्फेक्शन होने पर बार बार आंखों पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, बार बार आंखों को ठंडे पानी से धोया जाए। अभी आई फ्लू या जिसको हम मेडिकल में वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, वो तेजी से फैल रहा है। स्टार्टिंग में वायरल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, किसी किसी पेशेंट को बुखार भी आता है, हाथ पैरों में दर्द भी होता है, बट अधिकतर पेशेंट्स में आँख का लाल होना, पानी आना, सूजन आना, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर लें। कहीं भी अपनी आँख पे हाथ लगा के इधर उधर टच ना करें, क्योंकि एक जो भ्रांति है कि कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू देखने से फैलता है, तो ऐसा नहीं है, देखने से नहीं फैलता है। आप आंख पे हाथ टच करेंगे, इधर उधर लगाएंगे, वहां पे कोई और हाथ टच करता है तो उससे वो नेक्स्ट पेशेंट में भी होता है। तो जैसे हम कोरोना में ध्यान रखते थे इधर उधर टच का, वैसे इसमें ध्यान रखना है। बार बार आप सैनिटाइजर यूज करें हाथ साफ करने के लिए, हाथ धोते रहें, आंखों की सफाई करते रहें और तुरंत किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।